आप देख रहे हैं यही रास्ता है जहाँ पे अपने को जाना है और ये बोरो चला जाता है। तो ये बोरो वाला रास्ता है, हमको यहाँ से आना है धर्मनगढ़ से। अगर इधर से आएंगे तो बोरो का रास्ता है और ये सियांग जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है जय बूढ़ी माता मंदिर पाड़ो आमा अमली डी। यहाँ से 3 किलोमीटर है मंदिर, तो हम आपको दिखाते हैं मंदिर जाके, तो मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तो आप सब बने रहे मेरे ब्लॉग पे। सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम आ चुके हैं धर्म जयगढ़ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर। अमलडिया नामक एक जगह है जो लगभग बोरो से 10 किलोमीटर दूर है। पाड़ी आमा नाम से भी जगह को जाना जाता है अमलडिया। और यहाँ पे है बूढ़ी माई माता रानी का मंदिर और बहुत ही शानदार मंदिर है। आप सभी इस जगह पे बहुत ही बिरले होंगे जो यहाँ पे पहुँचे होंगे। पहाड़ के पास है, ये देखिए बहुत बेहतरीन सा है व्यू। चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ है, पर्वत है। और ये है हमारे सामने बूढ़ी माता देवी माँ का मंदिर। और हमारे साथ है इस चैनल के हमारे बिंकल भाई, और इनको मैं यहाँ पे आज लेके आया हूँ। ये पहली बार आए हैं वहाँ पे, मैं भी यहाँ पे दूसरी बार आ रहा हूँ। इसके पहले मैं यहाँ पे नवरात्रि के बीच में आया हुआ था, तो ये जगह मेरे को बहुत अच्छा लगा, शांत स्वभाव लगा, बहुत ही मतलब व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आने के बाद मन बहुत शांत रहता है और अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैंने बिंकल भाई को आज कहा कि आप ब्लॉग बनाते हो तो एक ब्लॉग यहाँ पे भी बनाइए इस मंदिर के साथ। और ये मंदिर हमारा बहुत ही अच्छा मंदिर है, और अंदर जाएंगे भी माता रानी का दर्शन करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा इस वीडियो में, आपको भी हम इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, छोटा सा एक गार्डन है, यहाँ का अच्छा मैनेजमेंट भी करके रखे हैं। दोस्तों ये है बूढ़ी माई माता का मंदिर, आप सभी एक बार दर्शन कर लीजिए। और इसके अलावा इस मंदिर में हम आपको दिखाएंगे नौ दुर्गा भी स्थापित किया गया मंदिर। आप देख सकते हैं जैसे आप आएंगे इस मंदिर से, इधर से आप इंटर करेंगे, यहाँ बूढ़ी माता का मंदिर है। उसके बाद जस्ट हम बगल से आएंगे तो ये देखिए नौ दुर्गा, यहाँ पे कुल नौ दुर्गा होते हैं। नौ दुर्गा को स्थापित किया गया यहाँ पे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार मंदिर है हमारा, और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो आप सभी भी बोरो से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये जगह है, धर्मजयगढ़ बस स्टैंड से लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ेगा। आप सब यहाँ पे एक बार आइए और सभी एक बार इस मंदिर का दर्शन अवश्य कीजिए। फिलहाल आप सभी को मैं नौ दुर्गा का दर्शन करवा रहा हूँ। ये हमारे नौ दुर्गा स्थापित है यहाँ हमारे बिंकल भाई। आइए बिंकल भाई से पूछते हैं कि वो इस मंदिर पे आए हैं तो इनको कैसा लग रहा है, इतने दिन ये इस मंदिर से अवगत थे कि नहीं, इनसे पूछते हैं। और पहली बार यहाँ पे आए तो इनको कैसा लग रहा है, बताइए बिंकल भाई। मेरे को तो पहले जानकारी नहीं था, आपने जैसे बताया कि यहाँ पे है करके, और मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसे जगह में जाना। एक तो शांत एरिया है, कोई हल्ला वल्ला कुछ नहीं है, एकदम शांत है, मन को संतुष्टि मिलता है, आनंद मिलता है। तो मेरा मानना है कि एक तो सब जगह घूमना चाहिए, मंदिर पहाड़, आप जानते हैं मेरे ब्लॉग में मैं सारा चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और धर्मजयगढ़ में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ आप लोग शायद कभी नहीं गए हैं, और मेरे यूट्यूब के माध्यम से मैं यही जताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि धर्मजयगढ़ में बहुत सारे देखने के लिए स्थल हैं। तो आप सब अपने परिवार के साथ ये सारी जगह आ सकते हैं। रात्रि के समय पर यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ रहती है। ये हमारे आराध्य बजरंगबली रायगढ़ ज़िले में थे और कुछ ही किलोमीटर को पार किया हमने और हम कोरबा ज़िले में आ गए हैं। ये देखिए ये जो मंदिर स्थित है, यह कोरबा ज़िले में है, ग्राम पंचायत अमलडीहा, विकासखंड व जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। ये महाराज जी यहाँ पर रहते हैं, इनसे जानकारी प्राप्त हुआ है कि ये मंदिर 1977 से यहाँ पर स्थित है और उसका जीर्णोद्धार अभी किया जा रहा है। और 1977 से मंदिर यहाँ पर बनाया गया था, स्थापित की गई थी मंदिर को। तो आप सभी जितने भी भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, आप सभी यहाँ पे माता रानी का दर्शन करने आए। और ये देख सकते हैं इधर हमारे भोलेनाथ जी विराजमान हैं मंदिर के दाईं ओर, और बाईं ओर हमारे कलयुग के राजा हनुमान जी।
जगह अच्छा लगा होगा और माता का दरबार है, क्यों अच्छा ही नहीं लगेगा। और एक मन को संतुष्टि मिलता है, एक आनंद, एक अलग ही आनंद है। और हमारे हनुमान जी, जय श्री राम, आज मंगलवार का भी दिन है तो अमित भाई ने बहुत एक अच्छे दिन पे मेरे को यहाँ पे लेके आया है। और आपको बता दूँ, हर मंगलवार को मैं फास्ट रहता हूँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो हर मंगलवार को मैं फास्ट रहता हूँ हनुमान जी के लिए, इनका दर्शन मतलब प्रभु दर्शन हो गया। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा और बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, जो आपने इतना अच्छा जगह पे लेके आया मेरे को। और आई होप कि ऐसी जगह और भी मैं दिखाऊं और देखूं। तो आप सब बने रहें मेरे चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।